All launch sponsor, thank you very much for your support and sponsorship इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए. पहले गेंद पर वहां पर खाता खोलते हुए बल्लेबाज अपना और अपनी टीम का. ओहो, इस बार चौक करने की कोशिश लेकिन कोई भी रन नहीं. लोअर फील्ड टॉस सर वहां पर आउट हो गए बल्लेबाज. पहला विकेट गिरता हुआ. पहला झटका लगा इस वक्त अपर थाने स्ट्राइकर्स. अपर थाने स्ट्राइकर की अगर हम बात करें तो टीम ओनर राहुल शारदा, केतन एंड पीयूष. अच्छी गेंद वहां पर हल्के हाथों से खेल के रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया वहां पर. इस बार कदमों का इस्तेमाल करके तेज तरार स्ट्रोक लेकिन ठीक तरीके से बल्ले पे नहीं आई. एक रन पूरा. लेग साइड में कलाइयों के सहारे उसे मोड़ दिया है. एक रन. टोटल रन बनी है चार. विकेट गिरी है एक. इस बार फिर से अच्छी गेंद वहां पर सिर्फ दिशा दिखाई बैकफुट पर जाकर. बल्लेबाजी में अपर थाने स्ट्राइकर्स थोड़ा सा दबाव में नजर आ रही है. दूसरे ओवर का खेल चल रहा है. रन बने हैं सिर्फ पांच. विकेट गिरी है एक. रन गति पर लगा हुआ है ब्रेक. इस बार बैकफुट पर जाकर हवाई फायर किया लेकिन उतना अच्छा कनेक्शन नहीं. फिर से एक रन. इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है. लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद. आउट हो गए. अच्छा कैच पकड़ा वहां पर सूरज जी. हरिनिवास ब्लास्टर ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया है. हरिनिवास ब्लास्टर टीम ओनर है ग्लेसमी दर्शन और मौजी भाई. ए बैट्समैन नेम जय जय. नॉर्मल डाउन अनन्या कास्टिंग जिनका पूरा चेयर ब्रैकेट का काम है ऑल ओवर महाराष्ट्र उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत. प्लीज आप आगे आइए. कैमरामैन प्लीज. 13वां युवक परिषद के मंत्री निर्मल जी जैन अनन्या कास्टिंग. 6 रन बने हैं दो ओवर के बाद. आपका हार्दिक स्वागत करते हैं. देखने अंपायर से अपील की जा रही है. अंपायर का क्या फैसला आता है. देखिए काले नाइट राइडर्स और वाग्ले इंडियंस दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए. काले नाइट राइडर्स और वाग्ले इंडियंस पिंटू भाई टॉस का भी ख्याल रखना. आएगा
पॉइंटेड स्टेप लगाया, वहां पर जय ने एक ही रन लेके आता हुआ। कालिन नाइट राइडर्स के कैप्टन और वाग्ले इंडियंस के कैप्टन नाइट राइडर्स सुमानी सेरामिक यूनिवर्सल ट्रेडर्स सतीश सुमानी और सफीक लोलाडिया जी की टीम। वहीं पर अगर हम वाग्ले इंडियंस की अगर बात करें तो सोई और भवानी सेरामिक हरेश निर्भय और गणपत भाई टीम के ओनर। अगर इसी बीच हम देखें तो कि तीन ओवर में रन बने सिर्फ 10 विकेट गिरी है, तो 10 रन 2 विकेट बहुत ही धीमी शुरुआत हम कह सकते हैं। रन रेट अगर हम देखें तो 3.33 का है। दीपेश गेंदबाजी के लिए हैं, चौथे ओवर में राइट अमाउंट का विकेट डिस्ट्राइक पर होंगे। टॉस इस वक्त दोनों टीमों के बीच में अगले मुकाबले का टॉस वाग्ले वॉरियर्स वाग्ले इंडियंस और कालेर नाइट राइडर्स के बीच में। लोअर फुल टॉस, ओहो स्टैंड एंड डिलीवर, राउंड ने किया गेंद को गोल, रन मिले फुल 6 रन। फिर से राहुल चल पड़े हैं। बिग बॉलर नाइट राइडर बिल्डर बहुत ही धुआंधार हवा तिशी बल्लेबाजी देखने को मिली राहुल की तरफ से। दीपेश महंगे साबित होते हुए, देखने किस तरह कमबैक करेंगे। ओ, बहुत ही अच्छी गेंद लेकिन विकेट कीपर से चूक, 1 रन डिक्लेयर की जोन में जाते हुए बाइक की शक्ल में 25। इस बार पैरों पर दी गेंद ऑन साइड में हवाई फायर किया, 1 ही रन लेकिन पूरा हुआ वहां पर, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल की मदद से देखने कितने रन बने 4 ओवर के बाद, रन बने 26। देखने मैच को कौन करेगा अपनी तरफ फिक्स, रन बने 26। आखिरी ओवर का खेल है। सूरज को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, देखना सूरज किस तरह गेंदबाजी करेंगे आखिरी ओवर में। डेथ ओवर का खेल, कौन होता है फेल कौन होता है पास। जय राइट हैंड बैटर फुल टॉस बनाया वहां पे कदमों का इस्तेमाल करके, लेकिन ऊंचा ज्यादा खेल बैठे दूर नहीं। 1 ही रन अब स्ट्राइक पे है राहुल, जिन्होंने 2 बड़ी हिट लगाई हैं, टीम को आगे के लिए देखने फिट कर पाएंगे आगे। फिर से फुल टॉस और इस बार सीधा फील्डर के हाथों में, आउट हो गए राहुल। नए बल्लेबाज हैं जिग्नेश, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया हवाई फायर, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में कैच को कंप्लीट करते हुए। अब विकेटों की हैट्रिक पर है गेंदबाज। सूरज क्या इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक लेंगे गेंदबाज सूरज। सूरज बहुत चमक रहे हैं, लेकिन सूरज गेंदबाज भी काफी चमक रहे हैं। अच्छी गेंद वहां पर, लेकिन हैट्रिक नहीं पूरा कर पाए, बचा लिया बल्लेबाज ने। अब स्ट्राइक पर आएंगे जय। कितनी बॉल है आखिरी 2 बॉल, देखना है जय का एक ही होगा कॉल बड़े हिट, क्योंकि रन काफी कम बने 28। काफी ऊंचा खेला है लेकिन दूर नहीं, 1 रन बना, दूसरे के लिए गए तेज कदमों के साथ, 2 रन पूरे और 1 रन डिक्लेयर जोन में, 3 रन आ गए इस गेंद पर।
तीन की मदद से कुल रन बने 31, 31। फुल टॉस, एक रन बना, दूसरे के लिए गए, खतरा हो सकता है, आउट हो गए जय। एक ही रन आता हुआ वहां पर, क्या देखना है, दो पूरे मिले। अंपायर के फैसले का इंतजार, देखिए अंपायर का फैसला आखिरी रहेगा, प्लीज बाहर से किसी को भी कॉल नहीं देना है। देखिए बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, जिन लोगों का मुकाबला नहीं है उन्हें बाहर जाना है प्लीज। जिन दो टीमों के मैच एक और सिक्सर देखने को मिलता हुआ में आगाज हो गया है इस इनिंग का। ले सौरव लस्सी भी लाओ, क्या लस्सी लाना, बड़ा बोतल लेके हिट लगाया वहां पर बल्लेबाज अश्विन ने, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं, लगता है मैच को जल्दी खत्म करना चाहते हैं। अभी भी एक बॉल का आना बाकी है, 16 रन 16, पहले ओवर का खेल चल रहा है, रन बने 16-16 बिना किसी नुकसान के। अश्विक का बल्ला बहुत तेजी से बोला, रन बने 16। इस बार बैकफुट पे जाके हल्के हाथों से टैप किया, एक रन लिया, सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17-17 बन चुके हैं 17। अब मंडरा रहा है थोड़ा सा खतरा इस वक्त, हरी निवास ब्लास्टर पर तो नहीं लेकिन अपोजिशन टीम पे। इस बार पंच के अंदाज में खेला था इस स्ट्रोक को, एक ही रन, प्रफुल आएंगे अभी स्ट्राइक पे, देखने प्रफुल क्या पावरफुल। दूसरा ओवर लेकर आए जिग्नेश, ऑफ साइड में खेला, वहां पर कैच छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा, बल्लेबाज ने एक रन लूटा।
इस बार अपने आप को रूम नहीं करवा पर कैट स्ट्रोक एक वक्त के लिए लगा के लिए इधर क्रिकेट चल रहा हूँ। तीन गेंद अभी तक हुई है इस ओवर की, रन बन चुके हैं 20, यहां से सिर्फ जीत के लिए 14 रन। बड़े हिट के लिए गए एज और पीछे की तरफ रन बने कुल 21 21। ओहो हवाई फायर, लेकिन गेंद मैदान के अंदर। देखिए कहते हैं ना टर्फ के क्रिकेट में ताकत नहीं नजाकत की जरूरत पड़ती है। अश्वी इस बार बहुत लेट खेलने की कोशिश थी, अपील सवाल पूछा है और आओ देखिए। अब बल्लेबाजी को आए प्रदीप, देखने पारी कितनी खेलेंगे डी। टोटल रन बने इस वक्त 22 22। जीत के लिए रन चाहिए सिर्फ 12 12 रन। 18 बॉल जीत के लिए 12 रन। क्या मैच में अभी भी लौट सकता है फन, क्योंकि जीत के लिए रन चाहिए 12 रन। प्रदीप इस वक्त स्ट्राइक पर है, पैर पत्ती से भेज दिया पीछे की तरफ। इस वक्त बहुत खूबसूरत मौसम हुआ है, धूप काफी तेज है। किसी शहर ने इसीलिए कहा था कि तेरे शहर का मौसम बहुत सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर तुझे बुरा ना लगे। रन बने 25 25। ये देखिए वाइट पे वाइट की जा रही है, गेंदबाज को बुलाया था गेंदबाजी करने के लिए टाइट, लेकिन कर रहे हैं वाइट। इस बार ऑन साइड में खेला सिंगल 27। इस बार जमीनी सारे से खेला हुआ चौक सरपट, एक रन। अब यहां से जीत के लिए रन चाहिए सिर्फ 6। ऐसा लग रहा है हरिनिवास ब्लास्टर मैच को कर लेगी पूरी तरह से फिक्स, लेकिन डीजे मैन ने अभी तक कुछ नहीं किया मिक्स। तेरह बॉल में 6 रन। इस बार ऑन साइड में खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद है, एक रन। देखिए अब यहां से जीत के लिए सिर्फ रन चाहिए 5। और अपर थाने स्ट्राइकर पर आ रही है धूप की आंच और मैच की भी आंच। बारह बॉल में 5 रन। गेंदबाजी के लिए रमेश, पहले गेंद ऑन साइड में खेला, एक रन पूरा किया। बजीत के लिए सिर्फ जय गेंदबाज है जय रमेश, 4 रन चाहिए। गेंद बची है 11। इस बार ऑन साइड में खेला बजीत के लिए सिर्फ 3। एक तरफा कर दिया कहीं ना कहीं इस मैच को। फुल टॉस और इसी के साथ मैच को जीत लिया हरिनिवास ब्लास्टर ने। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टीम ओनर गिलेस्पी करसन एंड मौजी भाई, हार्ड लक अपर थाने स्ट्राइकर कनक एंटरप्राइजेस न्यू सेरामिक।